नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। मोकामा से आरजेडी के विधायक रहे अनंत सिंह की विधायकी की चली गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर अब अनंत सिंह के राजनीतिक विरासत को कौन संभालेगा। हालांकि इसको लेकर चर्चाएं कई तरह की हो रही है। कहा यह जा रहा है कि अनंत सिंह अपने परिवार के ही किसी सदस्य को ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। ऐसे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। चूंकि अगर बात करें तो अनंत सिंह को AK-47 मामले में MP MLA कोर्ट की तरफ से 10 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद अनंत सिंह की विधायकी चली गई है। ऐसे में अब आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं कि आखिर अब अनंत सिंह के राजनीतिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी किससे मिलने वाली है। बता दें कि बिहार के मोकामा से आरजेडी के बाहुबली विधायक रहे अनंत सिंह अब भूतपूर्व विधायक हो गए हैं। घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में MP MLA कोर्ट ने उन्हें बीते 21 जून को 10 साल की सजा सुनाई है। इस सजा के कारण बिहार विधानसभा ने उन्हें बर्खास्त किए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर उनकी राजनीतिक विरासत को कौन संभालेगा और आखिर कौन होगा मोकामा विधानसभा क्षेत्र से उनकी पार्टी का अगला प्रत्याशी। प्रावधानों की बात करें तो 2 साल या अधिक की सजा मिलने पर विधानमंडल या संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। चूंकि कोर्ट ने अनंत सिंह को 21 जून को सजा दी है, इसलिए उनकी विधानसभा की सदस्यता सजा की तारीख से समाप्त की गई है। ऐसे मामले में विधानसभा स्वतः संज्ञान लेकर सदस्यता रद्द नहीं करता। कोर्ट से सजा के आदेश की मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष के विमर्श पर विधानसभा के सचिव संबंधित विधायक की सदस्यता समाप्त कर उसकी सूचना चुनाव आयोग को देते हैं। फिर चुनाव आयोग उस सीट को रिक्त घोषित कर वहां उपचुनाव की तारीख घोषित करता है। अनंत सिंह की रिक्त सीट पर कार्यकाल 41 महीने बचे हुए हैं, इसलिए वहां उपचुनाव होगा। ऐसे में वहां उनके उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हो रहा है। बता दें कि अनंत सिंह की विधायकी जाने के बाद आरजेडी की एक सीट कम हो गई है। पार्टी को विधानसभा चुनाव में 75 सीटें मिली थी। करीब एक पखवारे असुद्दीन ओवैसी को झटका देते हुए आरजेडी ने अपनी पार्टी AIMIM के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। ऐसे में आरजेडी ने बोचहा में हुए उपचुनाव में भी जीत हासिल की थी। इसके बाद आरजेडी विधायकों की 80 संख्या हो गई थी, जो अनंत सिंह की सदस्यता जाने से अब 79 हो गई है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और अपनी सरकार बनाने के आरजेडी के मिशन में एक एक विधायक मायने रखते हैं। ऐसे में आरजेडी के लिए मोकामा का उपचुनाव जीतना अहम मुद्दा बन चुका है। मोकामा में अनंत सिंह का बड़ा फैक्टर माना जाता है। आरजेडी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि पार्टी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि उपचुनाव का टिकट उसी को दिया जाएगा जिसे अनंत सिंह चाहेंगे। यहीं पर अनंत सिंह के राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात सामने आई है। माना जा रहा है कि अनंत सिंह मोकामा सीट पर उपचुनाव में पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बना सकते हैं। नीलम देवी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर लोकसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। ऐसे में बिहार की राजनीति में आपराधिक मामलों में सजा होने पर पत्नी या बेटे बेटियों को राजनीतिक उत्तराधिकारी सौंपने के उदाहरण भरे पड़े हैं, और इसीलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि अनंत सिंह अपनी ये जिम्मेदारी अपनी पत्नी नीलम देवी को देंगे। अब देखने वाली बात होती है कि आगे पार्टी की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, अनंत सिंह की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। चूंकि बात करें तो मोकामा की ये सीट आरजेडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इस सीट को जीतने के लिए आरजेडी की तरफ से तमाम हथकंडे भी अपनाए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।